दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। नहीं थम रहा कोरोना वायरस के कहर, मरने वालों की संख्या में हो रहा लगातार इजाफा। पाकिस्तान में विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 97 पहुंची, सिर्फ 2 यात्री बचे। मालदीव ने नाकाम की पाकिस्तान की चाल, इस्लामोफोबिया के आरोप पर दिया भारत का साथ। हांगकांग पर कानून के जरिए चीन ने फेंका नया पासा, अमेरिका ने की कड़ी निंदा। जमाल खशोगी के बेटे ने हत्यारों को किया माफ, फांसी पर संशय बरकरार। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में 53,07,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अब तक 3,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 21,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बात यूएसए की करें तो यहां करीब 1,44,000 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं, वहीं 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं यूके में 36,393, स्पेन में 28,628, इटली में 32,616, फ्रांस में 28,289, जर्मनी में 8,352 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। लाहौर से कराची जा रहा PIA का एक विमान कराची हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विमान दुर्घटना में 97 लोगों की मौत हुई है। हादसे के वक्त विमान में 99 लोग सवार थे, जिनमें 91 यात्री और 8 क्रू सदस्य शामिल थे। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बेइज्जती हुई है। संयुक्त राष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC की वर्चुअल मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान के आरोपों का मालदीव ने 2 टूक जवाब दिया। मालदीव ने कहा कि सोशल मीडिया पर चंद लोग जो हरकतें या बयानबाजी करते हैं, उसे 130 करोड़ भारतीयों की राय नहीं समझा जा सकता। मालदीव ने साथ में ये भी कहा कि इस्लामोफोबिया को लेकर OIC को दक्षिण एशिया के किसी एक देश पर निशाना नहीं साधना चाहिए। महामारी को लेकर चीन पर पहले से बिफरे अमेरिका को एक और वजह मिल गई है। दरअसल हांगकांग में हुए लोकतंत्र की मांग वाले हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए चीन ने यहां राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का फैसला लिया है। इस कानून के लागू होने के बाद चीन वहां होने वाले प्रदर्शनों पर सख्ती कर सकेगा। इसी बीच ट्रंप ने कहा, अभी मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी हांगकांग में चीन किसी तरह की हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी के परिवार ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने हत्यारों को माफ कर दिया है। खशोगी के बेटे ने पिता की हत्या के दोषी 5 सरकारी एजेंटों को कानूनी तौर पर माफी दी है, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी के दूतावास में जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में दोषी पाए गए 11 में से 5 को मौत की सजा सुनाई गई थी।